दोस्तों मैं हूं संभाजी। म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से जुड़े एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही अलग कैटेगरी के बारे में, जिसे हम फंड्स ऑफ फंड कैटेगरी के नाम से जानते हैं। अब इस कैटेगरी में कौन सा अच्छा फंड है और देखेंगे कि ये कैटेगरी एग्जैक्टली क्या होती है, फंड्स ऑफ फंड किसे कहते हैं और इस फंड के कितने रिटर्न रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। पहले देखते हैं व्हाट इज फंड्स ऑफ फंड। फंड्स ऑफ फंड क्या होता है? फंड्स ऑफ फंड एक ऐसा प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है जो इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड की और म्यूचुअल फंड की अदर कंपनीज की किसी स्कीम में या किसी अदर फंड में। जनरली आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में और कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, बट इस कैटेगरी के जो फंड होते हैं वो दूसरी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड इन्वेस्ट करते हैं दूसरी कैटेगरी के लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप फंड और डाइवर्सिफाइड स्कीम्स में अलग अलग एएमसी की। तो ये एक बहुत ही यूनिक कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की, जो आपके लिए अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो चलिए देखते हैं बेनिफिट क्या होता है आपको आप यदि फंड्स ऑफ फंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो। अब आपका यहाँ पे जो मनी होता है, पैसा होता है, वो इन्वेस्टेड होता है मल्टीपल एएमसीज की, मल्टीपल म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में। अब आपको अलग अलग स्कीम को ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप एक जगह पैसा लगाने के बाद आपका जो पैसा होता है वो अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट होता है। आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट नीड टू वरी अबाउट किसी स्कीम का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है और किसी स्कीम से अभी यदि आपको एग्जिट करना है या नहीं करना है, ये सब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा जो काम होता है वो फंड मैनेजर का काम होता है और जो कि जो इस अलग स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है फंड ऑफ फंड कैटेगरी के। तो चलिए देखते हैं बेस्ट स्कीम कौन सी है इस कैटेगरी की। बेस्ट स्कीम है इस कैटेगरी की जिसे कहते हैं क्वांटम इक्विटी फंड्स ऑफ फंड डायरेक्ट प्लान। ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम रही है, पिछले कुछ सालों में इस स्कीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है फंड ऑफ फंड स्कीम के अंदर। ये स्कीम का यदि हम ओवरव्यू देखेंगे तो कुछ डिटेल्स इस प्रकार से है। ये स्कीम एक ओपन एंडेड स्कीम है। ये स्कीम लॉन्च हुई थी जुलाई 13, 2009 में। ये स्कीम का बेंचमार्क इंडेक्स है S&P BSE 200। इस स्कीम का जो एसेट साइज है, एएम है, वो काफ़ी कम है, लगभग 10 करोड़ के आसपास है। और इस स्कीम में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से कर सकते हो। इस स्कीम के फंड मैनेजर है, उनका नाम है चिराग मेहता। यदि हम एग्जिट लोड के बारे में बात करेंगे तो अलग किसी इक्विटी स्कीम की तरह ही इनका एग्जिट लोड होता है। तो यदि आप इस स्कीम से एग्जिट करते हो बिफोर वन ईयर यानी कि 365 डेज, तो आपको 1.5% चार्ज देना पड़ेगा एज ए एग्जिट लोड यदि आप स्विच करते हो या फिर रिडीम करते हो। तो ये था कुछ ओवरव्यू इस स्कीम के बारे में। चलिए देखते हैं कि फंड्स ऑफ फंड स्कीम का पोर्टफोलियो कैसा होता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था, फंड ऑफ फंड स्कीम इस प्रकार की स्कीम होती है वो अलग दूसरी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि शेयर्स में। तो यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये स्कीम इन्वेस्ट करती है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान में, मिरे एसेट इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान, SBI मैग्नम मल्टीप्लायर फंड, बिरला सनलाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, फ्रैंकलिन इंडिया हाई ग्रोथ कंपनीज फंड, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड और ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप फंड। तो काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। यदि आप देखेंगे तो ये स्कीम इन्वेस्ट कर रही है म्यूचुअल फंड की स्मॉल कैप, मिड कैप और डेट म्यूचुअल फंड में। तो आपका पैसा अलग अलग स्कीम में भी जा रहा है और अलग अलग कैटेगरी में जाने के बाद डाइवर्सिफाई हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा कैटेगरी है और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है इन्वेस्टमेंट का। चलिए देखते हैं रिटर्न्स कैसे रहे हैं। अब जब इस तरह से इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो रिटर्न कैसा मिल रहा है वो भी देखना आवश्यक है। तो रिटर्न्स यदि हम देखेंगे तो पिछले 5 सालों में इस स्कीम ने जो रिटर्न दिया है वो है लगभग 19.6%। 3 ईयर्स का रिटर्न रहा है 15.5%। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न काफी अच्छा रहा है, वो रहा है ऑलमोस्ट 21.7%। तो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा रिटर्न रहा है। किसी भी इक्विटी स्कीम की तरह ही इस स्कीम का रिटर्न रहा है। एब्सोल्यूट रिटर्न के बारे में बात करेंगे तो ये कुछ इयर्स है जिस इयर्स में इस स्कीम ने अच्छा रिटर्न दिया था, वो था 2012 में काफी अच्छा रिटर्न दिया था, 2014 में अच्छा रिटर्न दिया था। जाहिर सी बात है क्योंकि इस ईयर में इक्विटी मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म किया था। तो ये कुछ सिनेरियोस है आपके सामने रिटर्न्स का। तो क्वांटम इक्विटी फंड्स ऑफ फंड इसके बारे में मैं यही कहूँगा, जरूर आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, यदि आपके पास
इतना समय नहीं है बाकी सारे स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर आप इतना फेवर नहीं करते हो बाकी स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मेरा टारगेट यही रहेगा 30-50% रिटर्न ऐसी स्कीम से आपको मिल सकता है करंट एनईवी से 30-50% का अप्रिसिएशन। और मैं इस स्कीम का परफॉर्मेंस आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा आने वाले समय में। तो ये था आज का हमारा वीडियो फंड्स ऑफ फंड कैटेगरी के ऊपर और क्वांटम इक्विटी फंड्स स्कीम के ऊपर। तो लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग एज यूजुअल, जैसे मैं कहता हूँ होप यू लाइक माई वीडियो। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इन्वेस्टर कम्युनिटी